नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 के लिए जीव विज्ञान को तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स तो इसके भी आपके दस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तो पहला क्वेश्चन लिखा मेटाबॉलिक वाटर इज बाई प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ तो ये होता है आपका टिश्यू रेस्परेशन होता क्या है कि जब आपका क्या होता है सिक्स यू प्लस सिक्स एस ये दोनों चीज़ें जब रेस्पिरेशन में देखने को मिलता है पहले फोटोसिंथेसिस की बात कर लेते हैं चलो पहले फोटोसिंथेसिस की बात करें तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि सिक्स ई टू प्लस सिक्स एस टो के निकाल देते आपका ये क्या होता है कि सनलाइट में आपका ग्लूकोस और उसके साथ आपका क्या आपकी ऑक्सीजन निकल जाती है और एनर्जी क्या होती है रिलीज हो जाती है अब ठीक इसका उल्टा करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये क्या हो जाती है आपकी ये हो जाती है आपका रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन अब ये यही बोल रहा है कि मेटाबॉलिक जो वाटर होता है यहां पे जो ये एसटू है ना ये मेटाबॉलिक वाटर ही है तो ये बोल रहा है मेटाबॉलिक वाटर इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ तो ये टिश्यू रेस्पिरेशन का देखने को मिलता है किसका देखने को मिलता है टिश्यू रेस्पिरेशन का इसमें क्या होता है आपका ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और टूटता है किस में सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ द मेटाबॉलिक वाटर तो आंसर कौन सा बन जाएगा टिश्यू रेस्पिरेशन बन जाता है तो पढ़ लेते हैं देखो लिखा हुआ है कि द ब्रेकिंग ऑफ द सीसी बॉन्ड जो आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू द ऑक्सीडेशन विद इन द सेल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन द कंपाउंड दैट आर ऑक्सीडाइज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आर नोन एज द रेस्परेटरी सब्सटेंस याद रखना ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस के थ्रू जो आपके कंपाउंड क्या करते हैं ब्रेक करते हैं उनको क्या बोलते हैं या जो ऑक्सीडाइज होते हैं वो किसके थ्रू आते हैं उन्हें बोला जाता है आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेस बोला जाता है अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज द एनर्जी बट प्रोटीन फैट्स एंड इवन द ऑर्गेनिक एसिड कैन बी यूज एज अ रेस्पिरेटरी सबसे इन द सम प्लांट्स अंडर सर्टन कंडीशन अलॉन्ग एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मेटाबॉलिक वाटर इज यू ऑल्सो रिलीज अ बाई प्रोडक्शन इन रेस्पिशन फॉर एक्जाम्पल द कंप्लीट कंबंशन और द ऑक्सीडेशन ऑफ द वन मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्रोड्यूज दिक्स सी ओ टू एंड मेटाबॉलिक वाटर एज एंड प्रोडक्ट मैंने बताया था आपका कि आपका ग्लूकोज होता है जो और वो क्या करता है आपका प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन आपका क्या कर देता है सिक्सू और सिक्स एस में निकल जाता है एनर्जी रिलीज हो जाती है आपकी तो ये होता है टिश्यू रेस्पिरेशन बाकी डाइजेशन और एक्सक्रीशन और मसल्स की बात करें तो ये आपको एनिमल्स में देखने को मिलता है डाइजेशन अगर देखने को मिला मेनली तो द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस टू द सिंपल फूडल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स इज कॉल द डाइजेशन एंड इज कैरीड आउट बाय द अवर डाइजेस्टिव सिस्टम बाय द मैकेनिकल एंड द बायोकेमिकल केमिकल मेथड दूसरा आता है एक्सक्रीशन आता है तो इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मेटेरियल फ्रॉम द बॉडी एक्क्रीशन इज परफॉर्म बाय द स्पेशलाइज ग्रुप ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन सेल या ऑर्गन कॉल्ड एक्सक्रिटी ऑर्गन मसल्स होती है स्पेशलाइज टिश्यू ऑफ द मेजोडॉम ऑरिजिन की होती है दे हैव द स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक द एक्साइटेबिलिटी कॉन्ट्रेक्टिलिटी एंड द एक्सटेंसिबिलिटी एंड द इलास्टिसिटी इनमें देखने को मिलता है जो आपकी मसलस होती है चले नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्लाइकोलाइसि वन ग्लूज मॉलिक्यूल इज तो कोई भी आपका जो ऑक्सीजन होता है वो इसमें यूज़ नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस अगर प्रोसेस की बात करें तो दो तरीके से देखने को मिलती ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस पहले मैं यहाँ पर समझा देता हूँ आपको यहाँ पर देखो इस वाले में समझा देता हूँ कौन सी वाली फोटो थे हाँ देखो ग्लूकोज जो होता है जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू वो पायरोवेट में आपका क्या बनता है पायरोट में निकलता है तो दो पायरोवेट बनते हैं आपके ये आप याद कर लो फिर दो प्रोसेस होती है एक, एक तो होती है एनरोबिक कंडीशन एक होती है एरोबिक कंडीशन तो एनड्रोबिक होती है अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन उसमें क्या होता है कि फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू या तो लैक्टिक एसिड में चेंज करेगा या तो एल्कोहल में चेंज कर जाएगा अगर एरोबिक प्रोसेस के थ्रू पायरोडिक को आगे चलाएं तो या इसमें लग जाती है आपके क्रिप साइकिल और उसके थ्रू आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बनने लग जाती है अब वापस आ जाते हैं तो अब पढ़ते हैं पूरा तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है द टर्म ग्लाइकोलाइसिस हैज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्लाइकोज ग्लाइकोज मतलब होता है सुगर लाइसिस मतलब स्प्लिट

ग्लाइकोलाइसोर्स इन द सेल्स याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती कहाँ पर तो ये में होती सेल के cytoplasm में वो लिक्विड होता है जो क्या करता है सबको क्या करता है बैलेंस करता है जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं आपके किसके अंदर सेल के अंदर तो ये आपने याद रखना है एट इज प्रेजेंट इन द ऑल द लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म इन दिस प्रोसेस द ग्लूकोज अंडर गोज पार्शियली ऑक्सीडेशन टू फॉर्म द टू मोलिक्यूल ऑफ तो पायोरविक एसिड हमेशा याद रखना कि ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है हमेशा कितने पायरोविक एसिड निकलते हैं बाहर कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ पायोविक एसिड निकलते हैं तो वो निकलते हैं ग्लूकोज के थ्रू दो तो निकलते हैं यह हमेशा याद रखना है या या पेपर में पूछा गया था दो निकलते हैं अच्छा बात करें तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस कॉमन पाथवे फॉर द एरोबिक एरो एनरोबिक रेस्पिरेशन एंड नो ऑक्सीजन ओ टू इज कंज्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई भी ऑक्सीजन इसमें क्या नहीं होती आपकी आ, बोल सकते हैं आपकी कंज्यूम नहीं होती चाहे आपकी एनरोबिक हो चाहे एरोबिक कंडीशन हो इट इज़ अवर्सल पाथ वे दैट अक्टर्स इन द एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम बट बी एरो और द एनरोबिक देर फॉर द नंबर ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिक्वायर यूरिंग द ग्लाइकोलाइस ऑफ द वन ग्लूकोज मालिकूल इज द जीरो अब थोड़ा इसे समझना है थोड़ा सा ट्रिकी है खासकर जो नॉन बैक ग्राउंड से आते हैं किसके बायोलॉजी के जिनकी जिन्होंने बायोलॉजी नहीं पढ़ी है तो उनके लिए थोड़ा टफ पढ़ता है पर जिनकी बायोलॉजी पढ़ी हुई है अच्छे से वो समझते हैं कि आपकी ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल है वो किस तरीके से चलती है तो मैं पहले ये पढ़ लेता हूँ थ्योरी तो इट इवॉल्व अ सीरीज ऑफ द टेन बायोकेमिकल रिएक्शन चलती है दस लगभग बायोकेमिकल रिएक्शन होती है आपके ग्लाइकोलाइसिक ग्लाइक ग्लाइक प्रोसेस में वेर वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज इज डिग्रेडेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द पायरो जिसमें आपका एक मॉलिक्यूल आपका ग्लूकोज किस में चेंज करता है दो मॉलिक्यूल्स में बन जाता है किसके या बन जाता है आपका पायरुक एसिड के ईच स्टेप इज गवर्न बाय द सम एंजाइम्स हर एक स्टेप में आपके क्या होता है एंजाइम्स होते हैं जो कैटलिस्ट का काम करते हैं इन प्लान दिस ग्लूकोज दिस ग्लूकोज इज डिराइव फ्रॉम द सुक्रोज ये जो ग्लूकोज होता है ये कौन सी होती है ये आपकी uh, कौन सी ये कौन सी ग्लूकोज होती है तो ये जो होता है सुको यह ग्लूकोज का कौन सा फॉर्म होता है ये डाइसेक्राइड फॉर्म होता है जैसे सुक्रोज होता है सुक्रोज बाद में जाकर ग्लोकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है जो आपकी मोनोसेक्राइट्स होती हैं तो ये लिखा ग्लूकोज डिराइव फ्रॉम द सुक्रोज विच इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस और फॉर्म ऑफ द स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स सुक्रोज की बात करें तो सुक्रोज इज कन्वर्टेड गोज द ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज बाई इनवर्टेज एंड टू रीडली इंटर पाथवे ग्लूकोज एंड द द आर फोटो फॉर रिलेटेड टू गिव राइज टू द ग्लूकोज सिक्स फॉसपेट इसकी बात करेंगे अभी सबसे पहले यही बनता है आपका जब आपका क्या होता है एटीपी टीबी किसमें चेंज होता है आपका एटीपी में चेंज कर दिया जाता है एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम इसमें ऑफ्जोकाइनिस आपका काम करता है ठीक है ना आपके कैसे तो नॉन रिवर्सिबल आपकी इक्वेशन होती है और आगे लिखा दिस फॉस्फो राइलेटेड फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज देन आइसोमराइस इसके बाद आइसोमर यूज होता है आइसोमर में क्या हो जाता है आपका ग्लूकोज सिक्स फॉस्पिट जो होता है वो आपका फ्रक्टोज में टूट जाता है फ्रक्टोज सिक्स फॉस्पिट में टूट जाता है और इसमें जो आपका आइसोमर यूज होता है आपका कौन सा तो मैंने बताया था फॉस्फो राइलेटेड फॉस्फो राइलेटेड फॉर्म ऑफ द गको इसमें फ्रक्टो फ्रक्टोसिक्स फॉसपिट लगता है उसके बाद सब्सिक्वेंट स्टेप ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द ग्लोक एंड फ्रक्टोस आर द सेम फिर आपकी सेम प्रोसेस चलती है उसके बाद क्या होता है इन इनग्लाइकोलाइस द चेन ऑफ द टेन रिएक्शन चलती है अंडर दिस कंट्रोल ऑफ द डिफरेंट एंजाइम्स टेक प्लेस ऑफ द प्रोड्यूस द पायोवेट फ्रॉम द ग्लूको और ग्लोज से आपका क्या बन जाता है पायरो एसिड बन जाता है दो वॉलूकस निकल जाते हैं तो यहां पर देखते हैं देखो लिखा हुआ है ग्लूकोज है तो पहला जो आपका एंजाइम यूज होता है वो उसका नाम है ये आप याद कर लेना जिसमें क्या होता है ये आपका एडीपी है एडीपी है।, है एडनोसिन डाइफॉस्फेट में उसके बाद वो बदल जाता है ग्लूकोज बदल जाता है आपका किसमें ग्लूकोसी सिक्स ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में तो ये नॉन रिवर्सिबल इक्वेशन होती है उसके बाद जो सेकेंड आपका एंजाइम यूज किया जाता है वो होता है आपका फॉस्फो गुकोजो आइसोमरीस इसमें क्या होता है जैसे आइसोम्रेस का यूज किया जाता है ये अपने आइसोमर्स में टूट जाता है ग्लूकोस फ्रक्टोज में फ्रक्टोज फ्रक्टोसिक्स फॉसफेट में टूटता है और ये कैसी इक्वेशन होती है आपकी ये नह नहीं। होती है रिवर्सिबल मतलब आप क्या कर सकते हैं चेंज कर सकते हैं मतलब फ्रक्टोज से आपका आपका भी बन सकता है और ग्लूकोसिक्स फॉस्फेट के थ्रू फ्रक्टोज फ्रक्टोसिक्स फॉस्फेट भी सकता है तीसरा जो एंजाम यूज किया जाता है वो होता है आपका फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेसिस फर्स्ट इसमें फिर से आपका क्या होता है एटीपी टीपी ए टीपी आपका एडीपी में चेंज होता है ये तीसरी प्रोसेस है और इसमें आपका बन जाता है कौन सा फ्रक्टोस वन सिक्स फॉस्फेट बनता है याद रख लीजिए ग्लूकोज पहले ग्लूकोसिक्सफेट में फिर फ्रक्टोस 6 में फिर फ्रक्टो वन सिक्स फॉस्फेट में टूटा अब यहां पर रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाती दो है दो चीजें निकलती हैं आपका जब आपका चौथा एंजाम यूज होता है वो होता है आपका एल्डोलेस एल्डोलेस से आपका पहला जो निकलता है वो निकलता है आपका फाइव हाइड्रो एसिटोन फॉस्फेट और दूसरा निकलता है आपका ग्लिस एलडीहाइड थ्री फॉस्फेट इसके दो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं अब इस फाइव हाइड्रो एसिटोन फॉस्फेट से आपके क्या बनते हैं ग्लिसराइड जो आपका क्या होता है ग्लिसरे एलडीहाइड थ्री फॉस्फेट होता है वो बनता है ये रिवर्सिबल इक्वेशन होती है इसके बाद जो प्रोसेस चलती है यहाँ पर आपके क्या होने लग जाती है एन ए डी मॉलिक्यूल जो होते हैं जो आपका टू फॉस्फेट आइन्स के साथ ये बोल सकते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ क्या करता है आपका चेंज हो जाता है कि इसमें टू एन ए डी एच में और दो हाइड्रोजन दो बाहर निकाल देता है ये एन ए डी क्या होता है भाई NAD होता है आपका निकोटीनामाइड निकोटीनामाइड एडक्टाइड डाइन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड तो ये जो होता है ना आपका इसमें क्या होता है कि जैसे ये किसमें बदल जाता है आपका ये बदल जाता है एनएडीएच, एन में एनएडीएच में क्या होता है कि ये एच सिंबल करता है किसको हाइड्रोजन को बस इतना याद रखना है आपने और दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाहर निकाल देता है अच्छा तो इसमें जो आपका यूज होता है वो कौन सा यूज़ होता, uh, होता, uh, यूज होता है और ये मतलब आपका और डीहाइड्रोजेनेसिस होता है कि एच आपका ब्रेक करने लग जाता है ठीक है ना एच आपका बाहर आ जाता है हाइड्रोजन बाहर निकल जाती है उसके बाद बनता है आपका वन थ्री बाय क्या लिखा भाई बाई बिस्फो ट ग्लिसरेट फो ठीक है वन थ्री बिस्फोस फो ग्लिसरेट आ, यार मैं, मैं माफ कर देना ठीक है ना मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड का तो नहीं हूँ तो नाम याद नहीं कर पाता ठीक है ना फिर मैं पढ़ देता हूँ वन थ्री बिस्फो फॉसफो ग्लिसरेट टू ये इसमें क्या होता है फिर से आपके जो दो ए टी पी मॉलिक्यूल्स होते हैं ए टी पी में चेंज होते हैं ये नॉन रिवर्सिबल प्रोसेस होती है उसके बाद जो आपका एंजाइम यूज होता है वो फिर से कौन सा होता है फॉसफो फ्रक्टोकाइनेस फर्स्ट यूज होता है उसके बाद जो आपका होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है थ्री फॉसफो ग्लिसरेट टू बनता है आपका और उसके बाद रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू जो आपका यूज होता है वो होता है आपका फॉसफो ग्लिसरेट म्यूटेस टू फॉसफो ग्लिसरेट आपका दो मॉलिक्यूल्स निकलते हैं फिर आपका एनोलेस एक आपका एंजाइम है जो क्या करता है एस uh, को टू मॉलिक्यूल्स ऑफ द टो बाहर निकाल देता है उसके बाद आपका बनता है फॉस्फोफो फॉस्फो इनो पायरोट टू ये भी दो मॉलिक्यूल्स बाहर निकाल देता है और दसवां जो आपका आता है पायरोवेट काइनेसिस आता है इसमें ब्रेक करता है आपका किस में चेंज होता है एटीबी में चेंज होता है और आपका ग्लूकोज से क्या बन जाता है पायुर्वेद बन जाता है तो क्या क्या प्रोडक्शन होता है तो ग्लूकोज से क्या क्या निकला तो ग्लूकोज से निकलते हैं आपके दो पायर्वेद निकलते हैं याद रख लेना टू एन निकलता है टू uh, मतलब uh, निकोटीनामाइड uh, डायनिक्लेटेड ये निकलता है आपका और दो ए टीपी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं आपका तो ये या आप याद कर सकते हैं इसके बाद दूसरी प्रोसेस इसमें क्या होता है फिर के बाद आपकी दो कंडीशन चलती हैं कि ग्लूकोज से आपका ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू पायर्वेद निकला दो आपके मॉलिक्यूल्स बने एक से और उसके बाद दो कंडीशन होती है एक होता है आपका एनरोबिक जो होता है आपका विदाउट ऑक्सीजन एक होता है एरोबिक कंडीशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है तो एरोबिक कंडीशन जो चलती है वो माइट्रोकॉन्ट्रिया में चलती है क्योंकि सेल्स की बात हो रही है इसमें क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के रूप थ्रू साइकिल बनती है साइकिल में बताऊंगा ये दो बार आपको क्या करती है रेपिटेशन मारती है उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपकी फॉर्मड हो जाती है जबकि साइटोप्लाज्म के अंदर एनरोबिक कंडीशन चलती है जिसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस की थ्रू है तो लैक्टिक एसिड बनता है या तो फिर एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होता है रिलीज होता है तो यहां पे देख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस है तो अगर एनोरॉबिक कंडीशन है क्या है आपका एनोरोबिक कंडीशन है तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में आपका चेंज हुआ ठीक है ना पायरोविक दो एटीबी मॉलिक्यूल्स आपके क्या हुआ रिलीज हुए बात समझ में आ गई अच्छा अगर एरोबिक अब देखो क्योंकि एनोरॉबिक कंडीशन है फिर तो मैंने बताया था एनोरोबिक कंडीशन में क्या होगा फर्मेंटेशन प्रोसेस होगी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू क्या होगी कि आपका ऑक्सीजन वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी और लैक्टिक एसिड आपका एनिमल्स में बन जाता है मैंने बताया था ये लैक्टिक एसिड बनता है या तो आपका क्या बनता है एल्कोहल बनता है इथेनॉल बनता है तो लैक्टिक एसिड तो बन जाता है किन में एनिमल्स में आप जानते हैं लैक्टिक एसिड जो होता है वो हमारी बॉडी में जब हम क्या करते हैं कसरत वगैरह करते हैं तो हमारी बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाता है मसल पेन होता है ये मसल पेन क्यों होता है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है उसी तरीके ईस्ट जो होता है आपका तो, तो वो क्या होता है आपका इथेनॉल जो होता है ये प्रोड्यूस हो जाता है ईस्ट में ये तो आपका किस में एनरोबिक कंडीशन में एरोबिक कंडीशन में देखेंगे यहाँ पे 36 सिक्स ए टीबी मोलिकल्स आपके टोटल बनते हैं ऑक्सीजन प्रेजेंट जब होती है क्रिप साइकिल बनती है उसके बाद ऑक्सीडेटिव फॉस्पोराइलेन्स आपकी प्रोसेस देखने को मिलती है तो ये पूरी प्रोसेस मैंने बता दी ये आपकी क्रिप्साइकिलें याद करने की जरूरत नहीं है सिर्फ इतना याद करना कि साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है अच्छा यहाँ पर देख लीजिए ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में टू ए टीबी मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ये आप याद कर सकते हैं अगर काउंट करें दोनों अगर टोटल एनर्जी की काउंट टोटल एनर्जी काउंट की बात करें टू एन निकलते हैं जिसमें माल्टेज निकलता है एक और एक निकलता है ग्रिस्त्र ठीक है ना तो एक होता है आपका माल्टेज एज शटल जिसकी जो वैल्यू होती है टू पॉइंट के बराबर होती है और एक ग्रिस्त्र फास्फेट शटल निकलता है जिसकी ए वैल्यू वन होती है जिससे लगभग तीन या पांच के आसपास आप, आपके ए के होते हैं रिलीज होते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल की बात करें दो बार अपने आपको रिपीट करता है तो टू जी से आपके टू ए निकलते हैं जबकि एट एन से याद रखना कि सिट्रिक एसिड साइकिल ए डी की जो वैल्यू होती है टू पॉइंट के बराबर होती है और एक एफ की वैल्यू होती है वन पॉइंट के बराबर तो एट एन निकलते हैं जिसकी अगर काउंट करें वैल्यू तो लगभग लगभग टू से इंटू करेंगे ट्वेंटी ए निकल जाते हैं और टू एफ की बात करें तो वन से कैलकुलेट करके थ्री एटी निकल जाते हैं और लग लगभग लगभग आपका जो टोटल गेन देखने मिलता है ए में वो लगभग तीस से लेकर बत्तीस ए तक निकल जाता है यह सारी प्रोसेस है आपका प्रोक्रिय में लेक मेमरस में तो टोटल जो होते हैं आपके एटीपी 38 निकल जाते हैं जैसे टू एटीपी जो ग्लाइकोलाइसिस में टू निकले ये के लिखा सबस्ट्रेट लेवल फॉसफो लाइरेशन सिक्स ए टी निकले कन्वर्टेड फ्रॉम द टू एन जिसकी वैल्यू मैंने बताई थी आपको ठीक है ना ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में फिर सिक्स ए टी निकलते हैं टू एन ए एसिड के थ्रू और ब्रेक डाउन होता है फेस टू ए टी निकलते हैं क्रेप साइकिल के थ्रू और फिर निकलते हैं एटीन ए टीपी निकलते कन्वर्टेड फ्रॉम द सिक्स एन ठीक है ना क्रिप साइकिल में और फोर ए टी बी निकलते कन्वर्टेड फ्रॉम द टू एफ एडी एच क्रेप साइकिल में टोटल हो जाते काउंट थर्टी एट टोटल अच्छा नेक्स्ट चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स इन द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर फॉर द फोटोसिंथेसिस अब बोल रहा है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स द कार्बन डाइऑक्साइड अरे ये छत्तीस बार पढ़ा दिया मैंने स्टोमेटा होता है ठीक है ना यही क्या होता है आपका जब ये ओपन होता है तो क्या करता है सी ओ टू को लेता है और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में लग जाता है और रात के टाइम में क्या हो जाता है हमको क्लोज होते हैं तभी एक सी ओ टू को लेना बंद करता है ओ टू आपका जनरेट होता है तो पढ़ लेते हैं देखो लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस इट इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स एंड द सम अदर ऑर्गेनिज्म यूज द सनलाइट टू सिंथेसाइज द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एन द वाटर इक्वेशन पता है आपका सिक्स ओ टू प्लस सिक्स एस टू और एक कहता है आपका ग्लूकोज को प्रोड्यूस करता है आपका क्या निकाल देता है ऑक्सीजन को निकालता है सिक्स मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज करता है तो प्लांट्स इन दिस प्रोसेस प्लांट्स आर देखो क्लोरोफिल आपका पिगमेंट यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एंड रिलीज द ऑक्सीजन सनलाइट इज एब्सॉर्व बाय द क्लोरोफिल सनलाइट किसके थ्रू आपका क्लोरोफिल के थ्रू तो आपकी ऑब्जॉर्व होती है स्टोमेटा आर द टेनी होल्स ये याद रखना ये किसमें होते हैं आपके लीवस में होते हैं मेनली प्रजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीवस इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटेक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन द प्लांट ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए तो कार्बन डाईऑक्साइड इज अ टेकन द थ्रू द टोमेटा अच्छा इसमें जो आपकी सेल्स होती है स्टोमेटा याद रखना कि स्टोमेटा जो होता है उसमें सबसे भारी की जो लेर होती है एपिडोमल सेल होती है फिर उसके बाद सबसे डायरी सेल्स आती है फिर जो अंदर वाला पार्ट आता है आपका वो आता है स्टोमल पोर्स आते हैं और जो भारी अदरफ लगे होते हैं गार्ड सेल्स होती है

अच्छा रूट एयर की बात करें तो लॉन्ग ट्यूबलर द रूट एपिड रूट इट इज फॉर इंटरेक्शन कहां से आप से जानते हैं नीचे की तरफ जोड़ों में होती है ठीक है ना uh, उससे जो आपकी क्या होती है uh, बोल सकते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है लीफ वेन्स की बात करें इट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द प्लांट एंड सुर इन द लीव्स पेटल्स की बात करें तो ये पार्ट होता है किसका फ्लावर्स का पीटलोटिक पार्ट ऑफ द फ्लावर प्लांट यूज टू अट्रैक्ट द बीज एंड अदर पंखुड़ियाँ होती न, उन्हें बोला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ सोलर एनर्जी ग्रीन के प्लांट केवल एक परसेंट हंड्रेड परसेंट अगर सोलर एनर्जी का यूज करें केवल एक परसेंट आपका क्या निकलेगी आ, बोल सकते हैं आपका आ, बोल सकते आपकी बाहर निकलेगी तो पढ़ लेते हैं देखो लिखा हुआ है The amount of the sunlight converted by the leaves of the green plants into the food energy is about the 1% of the available solar energy. This process by the which leaves of the green plants absorb solar energy to synthesize the food is known as the photosynthesis. This process is facilitated by the green pigments uh, present in the leaves called the chlorophyll. It helps the leaves capture the energy from the sunlight. The energy thus captured in the stored. इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल एनर्जी एंड इज यूज टू सिंथिसाइज अ फूड फ्राम द कार्बन डाई ऑक्साइड इन द वॉटर दज अ मेन कॉम्पोनेंट इन्वाल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथिस इन्क्लूड द कार्बन डाईऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल एंड द सनलाइट ये चार चीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है वाटर चाहिए होता है क्लोरोफिल चाहिए होता है सनलाइट चाहिए आपका प्रोसेस चलने स्टार्ट हो जाती है और इसमें क्या होती है कि जो आपकी सोलस एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में आपकी चेंज हो जाती है क्योंकि आपका क्या बन जाता है खाना बन जाता है ग्लूकोज आपका फॉन्ड हो जाता है तो लिखा फोटोसिथिस कैन भी रिप्रेजेंटेड बाई द फॉलोइंग एक्वेश्चन तो सिक्स ई ओ टू प्लस सिक्स एस टू सनलाइट क्लोरोफिल के थ्रू आपका क्या होता है ग्लूकोज बनता है कार्बोहाइड्रेट्स जैसे बोलते हैं एक प्रकार की आपके कार्बोहाइड्रेट ही तो है जैसे आपके कहूँ कैसी है आपकी मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट है और ऑक्सीजन निकलते हैं आपके सिक्स मॉलिक्यूल द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन आर द ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन तो ये आपका देखो लाइट कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन वाटर आपका ये आपने याद रखना है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन ड्यूरिंग द द ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रोम अब ये देखिए वो बोल रहा है कि ग्लोकोज में जो आपकी ऑक्सीजन आती है ना ठीक है ना ऑक्सीजन इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम फोटो सिंथिस में कहाँ से आती है आप फोटोसिथिसिक प्रोसेस की बात करेंगे तो सिक्स सी ओ टू आता है और आपका सिक्स एस टू आ जाता है और इसके थ्रू आपका क्या बनता है सिक्स सी सिक्स एस ट्वेल्व ओ सिक्स ये आपका ग्लूकोज निकलता है और सिक्स ओ टू आ जाता है बाहर तो बोल रहा है ग्लूकोज में जो आपकी ऑक्सीजन आई ये वाली ऑक्सीजन आई ये कहाँ से आती है क्या वो यहाँ से आती है वाटर से आती है क्या वो यहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड से आती है कि दोनों से आती है या सनलाइट से आती है तो सनलाइट तो पहले हटा दो सनलाइट में तो आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होते नहीं है ठीक है ना ये जो बनी होती है वो किसकी बनी होती है आपके फोटोन्स की बनी होती है जो मासलेस होता है आपका तो या तो इस या तो कार्बन डाइऑक्साइड तो से आई या फिर वाटर से आई या तो दोनों से आई पर तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपको ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिलती है वो पानी से नहीं मिलती वो मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड से पहली चीज़ याद कर लो दूसरी बात आपने याद रखनी है कि दूसरी बात ये कि जो ऑक्सीजन आती है वो दोनों से आती है कार्बन डाइऑक्साइड से भी आती है और वाटर से भी आती है तो ग्लोकोज पर कहां से लेता है केवल गुलकोज़ केवल और केवल कहां से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से जबकि जो ऑक्सीजन आपकी बन रही है वो कहां से बनती है वो एस रो क्योंकि यहां देखेंगे ना देखो यहां पर अगर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल देखेंगे टोटल छः हैं यहां पर छः हैं और यहां पर देखेंगे तो बारह तो बारह तो ये खींच ले रहा है पर बारह ही मैंने बोला तो दोनों से खींचता है छः यहां से आते हैं और छः यहां से आते हैं तो बाकी बच्चे छे और छह इसके पास चले जाते हैं तो याद रखना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ग्लूकोज कहां से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से क्योंकि तो गलती हो तो क्या हो जाएगी गलती हो जाएगी छह दुनी बारह काउंट करोगे छह बार और बारह बारह हो जाएगा और फिर बोलोगे कि आपका क्या होता है पानी के थ्रू आपका क्या होता है ग्लूकोज किसको ले लेता है ऑक्सीजन को लेता है? नहीं वो हमेशा किससे लेता है कार्बन डाइऑक्साइड से लेता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही पढ़ लेते हैं लिखा हुआ फोटोसिंथेसिस इज द फिजियोकेमिकल प्रोसेस इन विच द कार्बोहाइड्रेट्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म फ्रॉम द इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक्सट्रैक्ट लाइक एस टू एंड दी ओ टू इन द प्रेन्स ऑफ द लाइट एंड द पिगमेंट ओट इज इन्वॉल्ड एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द फोटोसिथेसिस फोटोसिथेसिस कैन भी सिंपली डिवाइड इन टू द फोर मेजर प्रोसेस पहला आता है एब्जॉर्ब्शन ऑफ द लाइट एनर्जी ऑफ द क्लोरोफिल पिगमेंट दूसरा था कन्वर्जन ऑफ द लाइट एनर्जी इंट द के केमिकल एनर्जी स्प्लिटिंग ऑफ द वाटर द फोटोलाइसिस ड्यूरिंग द नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोलाइरेशन तो एस टो जो होता है आपका हाइड्रोजन में अलग हुआ दो इलेक्ट्रॉन निकाले आपके क्या निकाल दिया ऑक्सीजन बाहर निकाल दी ऑक्सीजन इन्वॉल्व ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कम्स फ्रॉम द वॉटर ये बात समझ में आ गई ठीक <coughs> है तो जो ऑक्सीजन आती है ना वो कहां से आती है तो मैंने बताया था वो कहां से आती है आपके वाटर से आती है और वहां से भी आती है कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन ऑफ द सो इन टू द कार्बोहाइड्रेट्स ग्लकोज ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन ये देख लीजिए ये पढ़ लीजिए रिडक्शन ऑफ द सीओ टू टू कार्बोहाइड्रेट गुलकोज ड्यूरिंग द डार्क रिएक्शन में देखने को मिलती है सीओ टू अंडर गोज रिडक्शन एंड इट्स ओ टू इज यूटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लकोज ये सीओटो से आपकी ग्लकोज की क्या निकलती है ऑक्सीजन फॉर्म्ड होती है द ओ टू रिलीज ड्यूरिंग द फोटो फोटोलाइसिस इज द इवॉल्व ओ टू वेर इज द ओ टू रिलीज ड्यूरिंग द रिडक्शन ऑफ द सी ओ टू इज द ओ टू ऑफ द ग्लूकोज तो ये आप याद कर लेना नेक्स्ट क्वेश्चन आता फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द सब्सटेंस मैं बिलो आइडेंटिफाई टू सब्सेंस दैट आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसेंस अरे मैंने बताया तो था कि आपकी सोलर एनर्जी यूज होती है आपकी दूसरी चीज कौन सी यूज होती है देखो दूसरी चीज़ फोटोसेंसिस में यूज होती है आपकी सी ओ टू सोलर एनर्जी होगी ठीक है पहली तो आ जाती है सोलर एनर्जी चाहिए होती है आपको दूसरा आपको चाहिए होती है सी ओ टू दो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं फिर आपको चाहिए होता है क्या उसके अलावा क्या चाहिए क्लोरोफिल चाहिए होता है ये तो बहुत जरूरी है क्लोरोफिल हो गया आपका ठीक है क्लोरोफिल हो गया और क्या चाहिए क्लोरोफिल सीओ टू सोलर एनर्जी और आपको चाहिए क्या सीओ <tries> टू हो गया और आपको चाहिए एस टू पानी ठीक है ना आपको क्या चाहिए होता है वाटर चाहिए होता है ये चार चीजें चाहिए आपका काम हो जाता है मैंने बताया था ना यहाँ पे देखो यहां पे देखो लाइट सीओ टू आपका क्या निकल गया ये ओटो तो बाहर तो निकल रही है आपका क्या वाटर और क्या आपका क्लोरोफिल ये तो चाहिए होता है यहीं पर लिखा हुआ था शायद से हाँ देखो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल एंड सनलाइट ये चार चीज़ें चीज़ होती हैं आपको ठीक है ना तो यहाँ पर देख लीजिए कौन सा नहीं है ऑप्शन में देखते हैं तो ओटो तो ओटो की तो जरूरत नहीं होती अब यह तो ऑप्शन ये बनेगा या तो ऑप्शन ये बनेगा पर यहाँ पर वाटर दे रहा है तो वाटर तो नहीं हो सकता ठीक है ना वाटर तो हो नहीं सकता तो बचा ऑप्शन ये तो ओटो एन केमिकल एनर्जी की आपको जरूरत नहीं पड़ती है सोलर एनर्जी की पड़ती है सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज करती है जब ग्लूकोज बनता है बस इतना याद रखना जरूरत पड़ती है किसकी सोलर एनर्जी की तो लिखा फोटो इट इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट्स एंड सम अदर ऑर्गेनिज्म यूज द सनलाइट टू द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर इन दिस प्रोसेस प्लांट्स यूज द क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एंड अंदर रिलीज द ऑक्सीजन इट इज द प्रोसेस बाय विच द ग्रीन प्लांट ट्रांसफॉर्म द लाइट एनर्जी इन द केमिकल एनर्जी इसमें क्या होता है कि ग्रीन प्लांट क्या करता है लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है केमिकल एनर्जी में चेंज करता है तो याद रखना है फोटोसेंथेसिक प्रोसेस के थ्रू क्या होती है आपकी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज कर जाती है या सोलर एनर्जी बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द वाटर टेक्स प्लेस फ्रॉम द ऑक्सीजन एंड द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस फ्रॉम द ग्लूको फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम इन द रेड कलर याद रखना कि फोटोसेंस तो मैक्सिमम होता है रेड कलर में होता है ऑफ द लाइट जो होता है सबसे कम होता है वायलेट में होता है ये आप याद कर लेना लाइट ऑफ द फोटोसेंथेस रेंज अच्छा जो रेंज होती है वो रेंड्रेड टू सेवन हंड्रेड होती है आपकी विप ग्यर की क्योंकि विजिबल लाइट है फोर हंड्रेड टू सेवन हंड्रेड की क्या होती है इसकी रेंज होती है इट एब्जॉफ द वायलेट ब्लू एंड द रेड कलर याद रखना कई बार पूछा जाता है कि कौन कौन से कलर एब्जॉर् कर सकता है तो वायलेट ब्लू एंड रेड बी वी आर नेक्स्ट चलते सो इट बिकम्स क्लियर दैट द देशेंशियल कॉन्टेंट फॉर द फोटोसेंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट एंड क्लोरोफिल एंड डज नॉट यूज द एंड द केमिकल एनर्जी आगे लिखा फैक्टर अफेक्टिंग द फोटोसिंथेसिस तो लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंटेशन इट इज द बेस्ट इन द 0.3 टू 0.4 पॉइंट परसेंट कॉन्सेंट्रेशन एंड बियॉन्ड दिस लेवल कैन कॉज द इंक्रीज इन द फिक्सेशन रेट्स एंड द कैन बिकम द डैमेजिंग ओवर लॉन्ग पीरियड इससे ज़्यादा होगा तो दिक्कत हो सकती है प्लांट्स के लिए वाटर स्ट्रेस कॉजस द स्टोमेटा टू क्लोज याद रखना कि अगर वाटर स्ट्रेस आता है तो स्टोमेटा को बंद होने में क्या होती है दिक्कत होती है तो हैंड्स रिड्यूसिंग द सी ओ टू अवेलेबिलिटी इससे क्या होता है कि आपकी स्टोमेटा क्लोज होगा तो उस सीओ टू को अच्छे से नहीं ले पाएगा टेम्परेच द टेम्परेचर आप जानते हैं तो फैक्टर होता है द टेम्परेचर ऑप्टिमम फ्रॉम फॉर द फोटोसिंथेसिस ऑफ द डिफरेंट प्लांट आल्सो डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट दट दे आर अडेप्टेड टू ट्रॉपिकल प्लांट्स की बात करें तो वहाँ पे हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है बजाय क्योंकि टेम्परेट क्लाइमेट के लाइट की अगर बात करें दिस इज अनियर रिलेशनशिप बिटवीन द लाइट एंड दीओ टू फिक्सेशन एट द लो लाइट इंटेंसिटीज एट हायर लाइट इंटेंसिटीज ग्रेजुअली द रेट इंक्रीजेज बट डज नॉट शो द फर्दर इंक्रीज एज द अदर फैक्टर बिकम लिमिटिंग चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज द बेसिस ऑफ द ऑन द विच द पार्ट ऑफ द फ्लावर आर प्रेजेंट अच्छा वट इज द बेसिस ऑन द विच द पार्ट ऑफ द याद रखिए अगर आपने थोड़ा सा भी बायोलॉजी पढ़ी है ना सिंपल पार्ट होता है किसका फ्लावर का प्लेसेंटा हो गया फैलोपेन ट्यूब होगी थैलेमस हो गया ये एनिमल्स में देखने को मिलता है बात समझ में आ गई जब एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे तब इनके बारे में जान लेंगे पीटल्स की बात करें इट इज द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट ऑफन कौन कौन सी पीक्यूसली कलर्ड आपका जानते हो बोलते जिससे स्टेमन जो होता है वो आपका प्रोडक्टिव होता है इज अ पॉलन प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ द फ्लावर यूजली द स्लेंडर फिलामेंट सपोर्टिंग द तो ये स्टेमन जो होता है ये आपका आपका क्या होता है? Sex, आपका होता है है मेल सेक्स किसका प्लांट्स का या फ्लावर का तो लिखा हुआ था सेपल इज द आउटर पार्ट ऑफ द फ्लावर ये होता है आपका सेपल कौन सा ये वाला नहीं सॉरी मैं पीटल को बोल रहा हूं पंखुड़ी नहीं पीटल को तो पंखुड़ी बोलते हैं ये पंखुड़ियां होती है आपकी और जो सेपल वाला पार्ट होता है नीचे वाला ग्रीन वाला पार्ट होता है अच्छा अगर फ्लावर की बात करेंगे स्टेमन होता है आपका मेल सेक्स पार्ट होता है एंथस लगे होता है उनको सपोर्ट देने के लिए आपका फिलामेंट होता है अच्छा फीमेल्स की बात करें उसमें आपका कारपेल होता है उसमें तीन पार्ट होते हैं स्टेगमा होता है सबसे ऊपर स्टाइल होता है सबसे अंदर होता है अंडोगोजिन होता है ओवरी तो लिखा होता है सिपल इज द आउटर मोड अब किन की बात कर रहा है सिपल्स की बात कर रहा है ठीक है ना इसकी बात कर रहा है इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑफ द ग्रीन एंड द लीफ लाइक दिस इंक्लूज इज द डेवलपमेंट बर्ड ये क्या करता है बर्ड्स को बनाने में मदद करता है द सिपल इज डिफेंसिव ऑर्गन दैट इंक्लूज द प्रोटेक्ट द डेवलपिंग रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एट द मेच्योरिटी द सेपल्स ओपन वैन द फ्लावर ब्लूम्स तो ये क्या होता है आपका मेच्योर जब ये मेच्योर होता है तो ओपन होकर आपका क्या करने लग जाता है फ्लावर बन जाता है अच्छा लेकिन प्लेसेंटा क्या होता है तो प्लेसेंटा जो होता है वो आपका किस में प्रेगनेंसी के टाइम देखना इट इज ऑर्गन दैट डेवलप इन द एनिमल टिश्यू सॉरी एनिमल न्यूट्रेस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी दिस सिस्टम प्रोवाइड द ऑक्सीजन एंड फॉर द ग्रोइंग बेबी एंड द रिमूव वेस्ट प्रोडक्शन तो क्या करता है वही? का काम होता है कि ऑक्सीजन देना किसको बच्चे को जो एम्ब्रियो होता है एंड uh, जो आपका क्या होता है वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसे क्या करना हटाना तो रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बेबीज ब्लड इट अटैचेज टू द वॉल ऑफ द यूट्रस एंड द बेबी अम्बलाइकल कॉर्ड जो होती है आपकी ठीक है ना नाड़ी अराइजेस फ्रॉम इट यहीं से आपकी क्या होती है कनेक्टेड होती है फेलापिन ट्यूब की बात करें तो ये फीमेल्स में देखने को में यूट्रिन ट्यूब होती है आपकी फेलापिन ट्यूब कैरीज एंड एग ये क्या करता है एग को कैरी करता है फ्रॉम द ओवरी टू द यूट्रस वुमेन शुड हैव द टू यूट्रिन ट्यूब्स जो आपकी होती है फेलापिन ट्यूब्स एंड देयर बॉडीज अ सेक्शन ऑफ द फेलापिन ट्यूब्स कॉल्ड द एम्प्यूला जनरली व एन एग इज फर्टिलाइज बाय द मैन स्पर्म द रिजल्टिंग फर्टिलाइज एग देस वैन इट कंटिन्यूज टू डेवलप अंटिल द बर्थ अब ये याद रखना फेलोपिन ट्यूब्स के, के थ्रू आपका क्या होता है सारी चीजें प्रोसेस होती है यहीं पर आपका एग बंद आपका क्या होता है एग यहीं पर आपका स्टोर होता है उसके बाद क्या होता है जो मेल स्पर्म होता है इसके साथ क्या करता है जायगोर्स बनाता है उसके बाद आपका कहाँ चला जाता है वो चला जाता, जाता होगा प्लेसेंटा की तरफ जो आपका यूट्रस वॉल से क्या होता है कनेक्टेड होता है यहीं पर बच्चा बनपता है थेलेमस आपके सर का पार्ट होता है थेलेमस रूप से नीचे हाइपोथेमस होता है उसी के नीचे आपकी क्यों लगी होती है Uh, जैसे बोलते हैं आपका प्यूटरी ग्लैंड जैसे मास्टर ग्लैंड बोलते हैं तो इट इज अजिशन इन द नियर द सेंटर ऑफ द ब्रेन एंड द्रेन मिड ब्रेन इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक चैप्टर है जब हम के पढ़ेंगे आपका नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे तब इसे डिस्कस कर लेंगे इट्स रिलाई स्टेशन फॉर द ऑलमोस्ट एंड ऑल इन्फॉर्मेशन दैट कम्स एंड गोज टू द काटेक्स इट प्लेज अ रोल इन द पेन सेंसेशन अटेंशन इन द अलर्टनेस इन द मेमोरी तो ये सारे इसके काम है थैलेमस के तो ये देख लीजिए मेचोर फ्लावर की बात करें तो एक नीचे वाला जो पार्ट होता है पेडिकल होता है यहाँ पर आपको फ्लोरल एक्सेस देखने को मिलता है ये आपका नेक नेट नेक्टरी पार्ट होता है अब ये देख लीजिए ये वाला जो पार्ट होता है ना ये वाला इसे बोलते हैं आपका क्या सेपल और सेप्पल को दूसरी चीज़ बोलते हैं कैलेक्स क्या बोलते हैं कैलेक्स वहीं ऊपर जो पंखुड़ी वाला पार्ट है उसे पीटल बोलते हैं या उसे कोरोला बोलते हैं आप दोनों बोल सकते हैं मेल मैंने बता दिया मेल में जो आपका आ जाता है उसमें क्या आ जाते हैं आपके तो कनेक्टिव टिश्यूज में आ जाती हैं आपके एंथस आ जाते हैं ऊपर की तरफ ठीक है ना यहीं से आपके क्या होते हैं जो बोल सकते हैं पॉलीनेट यहीं से आपके के, जो अंडगोश बोल सकते हैं में आता है ना तो इसको ये क्या करता है कैरी ऑन करता है किन में इनके अंदर कौन से जो आपके कौन होते हैं जो आपका ट्रांसफर करवाते हैं किसको पॉलिनेशन को दोनों तरीके से हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरीके से हो सकता है और एंथर को सपोर्ट देने के लिए कौन से होते हैं आपके फिलामेंट होते हैं अच्छा ओव्यूल्स की बात करें तो इसमें पिस्टल ओव्यूल्स होता है ये ओव्यूल्स पार्ट किसका होता है पिस्टल का पार्ट हो उसमें स्टिग्मा आ जाता है सबसे ऊपर वाला पार्ट स्टाइल आता है बीच वाला सबसे जो अंदर वाला था उसे क्या बोलते हैं आपका ओवरी बोलते हैं ओवरी के अंदर ही आपके ओव्यूल्स होते हैं अंडकोश होते हैं ठीक है, है। ना इन्हीं के साथ आपके जो कौन होते हैं एंथस होते हैं जो आपको दिख रहे हैं ये एक मिलकर के बना देते हैं एक नए बोल सकते हैं सीट्स का निर्माण कर देते हैं बीच का निर्माण कर देते हैं ठीक है ना तो ये याद कर सकते हैं आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आता था टोटल नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स सीन इन द हंड्रेड पॉलिन ग्रेन इज तो हमेशा याद रखना है डबल होती हैं कितनी होती है टू हंड्रेड और अगर फीमेल uh, गैमेट्स की बात करूं तो सिंगल होती हैं आपकी हंड्रेड पे हंड्रेड होंगी तो यहां पर देखो पढ़ लेते हैं पॉलिन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकल से वेरी स्ट्रक्चरल मेजरिंग अबाउट द ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी माइक्रोमीटर इन द डायमीटर पॉलिन ग्रेन्स है टू प्रोमिनेंट वॉल्स द आउटर एग्जाइन मेड ऑफ दस्पोरो पॉलिन इससे बनी होती है विच इज रेफर टू एज वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक

हैज अबंड रिजर्व ऑफ द फूड और यहीं पर क्या होता है आपको प्रचुर मात्रा में क्या होता खाना है खाना इकट्ठा होता है एंड एन इनरेगुलरी साइज न्यूक्लियस और इसमें जो आपका न्यूक्लियस होता है उसका साइज कैसा होता है इरेगुलर होता है एक पर्टिकुलर साइज नहीं होता है जनरेटिव Gen सेल्स की बात करें इज स्मॉलर छोटी होती है एंड इट फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म में तैरती है साइटोप्लाज्म ऑफ द वैसे के इन द मेजोरिटी ऑफ द एंजोस्पम सिक्सटी परसेंट पॉलिंग्रेन आर सेड एट द टू सेल्ड स्टेजेज वायल रिमे ऑफ द जनरेटिव सेल्स डिवाइड टू फॉर्म द टू मेल गेमेट्स

टू हंड्रेड गैमेट्स यहां पर देख लेते हैं तो पहला जैसे ये है आपका तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है और बाद में हम बात करेंगे कि इसकी ओवरीज वगैरह की बात करेंगे तो ही तो पहले मियोसिस प्रोसेस हुई आपकी स्पोर्स बने माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू पॉलिन ग्रेन्स आपके ये बनने लग गए यहां पे आपका स्टिग्मा काम करता है स्टिग्मा कौन सा होता है ये फीमेल्स का होता है ये पॉलिन ट्यूब होती है जिसके थ्रू आपका अंदर की तरफ जाता है आपका पॉलिन ग्रेन्स के थ्रू ये जो एंथस होते हैं ठीक है ना ये एंथस जो होते हैं ये पॉलिन ट्यूब्स स्टाइल वहां से अंदर की तरफ जाना है इसने किस तरफ ओ, ओ, ओवरी की तरफ जहां पे आपका ओव्यूल होगा अब ओवरी की बात कर देते करते मियोसिस बने ओव्यूल बना माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू एक्सेल बनी पॉलिंग ट्यूब बनी यहीं आपका स्पम्प सेल क्या होता है उसके साथ कनेक्ट होता है फिर उसका फर्टिलाइजेशन हुआ एक्सेल का एक्सेल का फर्टिलाइजेशन होने से सीड बन जाता है जिसमें एम्ब्रियो स्टोरेज मेटेरियल सीड कोस्ट आपके देखने को मिलती है फिर सीडलिंग देखने को मिलती है नया प्लांट बन जाता है नेक्स्ट चलते हैं अ प्लांट दैट वेस्टेटिवली बाय लीव्स इज़ ये होता है आपके जिंजर पोटेटो सकते। ये निकल सकते हैं ये ब्राइफाइलम होते हैं जो आपके किससे बन सकते हैं पत्तियों के अंदर से आपके क्या निकलते हैं नए प्लांट्स निकलने लग जाते हैं पत्तियों से निकलते हैं ठीक है ना तो पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देर आर आर द सेवरल वेज ऑफ बाई विच प्लांट प्रोड्यूस दियर ऑफ स्प्रिंग देर आर द कैटेगरीज ऑफ द टू टाइप्स एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है अक्सुअल में आपके क्या नहीं बनते बीज नहीं बनते बिना बीज के कर सकते हैं आप <coughs> नए पौधे को जन्म दे सकते हैं सेक्सुअल में आपका क्या बनेगा बीज बनेगा जो मैंने अभी पीछे आपको पूरी प्रोसेस समझाई जाए जिसमें मियोसिस और माइटोसिस दोनों प्रोसेस आ जाती हैं आपकी तो लिखा हुआ है इन असेक् रिप्रोडक्शन प्लांट कैन गिव द राइज टू द न्यू प्लांट्स विदाउट द सीड्स वेर इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन न्यू प्लाट्स आर ऑप्टेंड फ्राम द सीड्स में बात करें तो ये लिखा हुआ है देखो असेक्चुअल भी बात करते हैं बस मैं पढ़ लिया जाक्शुअल रिपोर्डक्शन न्यू प्लांट आर ऑप्टेंड विदाउट द प्रोडक्शन ऑफ द सीड्स वेस्टेटिव प्रोपोगेशन इज टाइप ऑफ दुअल याद रखना वेस्टेटिव प्रोपोगेशन किसका आता है ये एग्जांपल है किसका अक्ल रिप्रोडक्शन का इन विच द न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द रूट्स या तो किससे रूट्स हो रहे हैं स्टेम्स हो रहे हैं या बर्ड्स हो रहे हैं इन्स होंगे पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज नोन एज द वेस्टेटिव प्रोपोगेशन अच्छा ब्राइफालम की बात करें ब्राइफ आलम स्प्राउट लीफ प्लांट जिसे बोलते हैं मार्जिन ऑफ द लीवस इफ ए लीव ऑफ दिस प्लांट फॉल्स ऑन द मॉइज सॉइल अगर इसकी पत्ती पड़ जाए ना तो उससे भी क्या हो सकता है नया प्लांट बन सकता है इसलिए मैं बता रहा हूँ इज बट कैन गिव द राइज टू द न्यू प्लांट्स द रूट ऑफ द सम प्लांट्स कैन ऑल्सो गिव द राइज टू द न्यू प्लांट्स स्वीट पोटेटो एंड द दहिला आर द एग्जाम्पल्स प्लांट द कैक्टिव प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स वेर दी पार्ट्स गेट डिटेस्ट फ्रॉम द मेन प्लांट बॉडी इज डिटेस्ट पार्ट कैन ग्रो इन टू अ न्यू प्लांट तो जो भी पार्ट आपका क्या पड़ता है नीचे की तरफ पड़ता है ना जैसे आपने देखा कई ऐसे पौधे होते हैं जैसे यहाँ पे इसने बात की स्वीट पटेटो की बात की तो कोई भी पार्ट अगर नीचे पड़ता है उसका मिट्टी के अंदर तो क्या कर देता है नए पौधे को जन्म देता है ये हर किसी के साथ नहीं होता बहुत जरूरी होता है कि जैसे आपने देखो फल होगा क्योंकि फ्रूट के अंदर क्या होते हैं सीड्स होते हैं तो वो सीड्स नया जन्म देते हैं अच्छा लेख आप प्लांट प्रोड्यूस बाय द वैजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो ये इनमें जो आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन देखने को मिलता है ये कम टाइम लेते हैं बजाय किन के जिनमें आपके फ्लावर और फ्रूट्स लगे होते हैं देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स अब देखो ये किन के लिए होता है जैसे एनजीओ स्पर्म होते उनमें फ्रूट और फ्लावर्स तो होते हैं और आपके जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके नेकेड सीड्स देखने को मिल जाते हैं तो उनसे हो सकते हैं बाकी के लिए होता है ये ठीक है ना? द न्यू प्लांट्स प्लांट याद रखना द सिंगल पेरेंट तो ये न्यू प्लांट्स आप देख रहे तो अलग टाइप -अलग के आपके क्या होते है? पौधे होते हैं तो इनमें बर्ड्स इन दार्जिन तो आपको देख रहे हो पत्ती में क्या ये अलग अलग पत्तियां लग रही हैं अच्छा नेक्स्ट चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन जो असेक्सुअल है पर लगता है ऐसे जैसा सेक्सुअल है तो ये होता है आपका कौन सा एपोमिक्सिस ठीक है ना वेस्टेटिव की मैंने बात कर ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और किसी पार्ट से क्या हो सकता है आपका नया प्लांट बन सकता है ठीक है ना जैसे रूट्स हो गया आपका रूट्स हो जाता है आपका आप बोल सकते हैं आपकी लीव्स हो जाती है ये निकल जाती है आपकी तो पढ़ देता हूं देखो लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन इज तो द बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच द ऑर्गेजम गिव द राइज टू द यंग वंस ऑफ तो द ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू द इटसेल्फ इट इज रिस्पांसिबल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन रिप्रोडक्शन मेनली डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स पहला होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनव द फॉर्मेशन ऑफ द मेल्स एंड द फीमेल गेमेट्स आदर बाय द सेम इंडिविजुअल और द डिफरेंट इंडिविजुअल्स होता है आपका ठीक है ना यहाँ अपोजिट सेक्स होगा जैसे प्लांट्स में होता है ना तो एक ही में आपके क्या होते हैं एंथस भी होते हैं जैसे क्या होते हैं आपका स्टेमन भी होता है पिस्टल्स भी होते हैं और क्या होते हैं अलग अलग भी होते हैं तो वहां पर क्या होता है इंडायरेक्ट वे में आपका क्या रहता है पॉलिनेशन हो जाता है बीज के थ्रू हो जाता है ठीक है ना विंड के थ्रू आपको पॉलिनेशन करवाया जाता है दिस गेमेट्स टू फॉर्म द जायगॉट्स विद दाइगोर्स विदेवलमेंट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म इट इज एन एलोबरेट कॉम्प्लेक्स एंड द स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू द अक्ल रिप्रोडक्शन तो इसमें कौन सा हो जाता है जो आपका मेमल्स आ जाते हैं इसमें द ऑफ स्प्रिंग स्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बोथ मेल एंड द फीमेल पेरेंट्स एंड शो द वेरिएशन अक्सक् रिप्रोडक्शन की बात करें रिप्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस बाय द सिंगल पेरेंट एक ही पेरेंट होता है विदाउट द फ्यूजन ऑफ द इज कॉल्ड द सेक्ल रिप्रोडक्शन जैसे इसमें अमीवर हाइड्रा आ जाते हैं द ऑपस्प्रिंग आर एग्जैक्ट रेपलिका ऑफ दियर पेरेंट्स एंड जेंटिकली आइडेंटिकल असेक्सुअल रिपोडक्शन ऑफ द मनी टाइप्स कितने तरीके का होता है कई तरीके का होता है इस पर रोलेन होता है आपका फीजन होता है फ्रेगमेंटेशन हो गया बडिंग हो गया प्लाज्मोटॉमी uh, हो गया वेस्टेटिव प्रोपोगेशन जो पढ़ाया था एपोमिक्स हो गया आपका और पैरथोजेसिस हो गया आपका तो अभी बात करें कि इसकी एपोमिक्सिस एपोमल होता है विदाउट और मिक्सिस होता मिक्स करके इट इज द फॉर्म ऑफ द अक्शुअल रिप्रोडक्शन दै रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द सीड्स विदाउट द फर्टिलाइजेशन विदाउट द फ्यूजन ऑफ द मेल एन फीमेल गमेट्स फर्टिलाइजन यही होता है इट इज अन्न इन द प्लांट एंड ऑफ द स्पीसीज ठीक है ना किस किस में पाया जाता है जैसे आपका कौन सा है एस्ट्राकाइकी आ जाता है आपका ग्रासिस आ जाती हैं इनको जरूरत नहीं होती है एपोमिक्सिस होती है एक जैसे घास देखिए ना आप एक जैसे दिखने लगती है तो ये एपोमिक्सिस का एग्जाम्पल है हमें लगता है कि प्रोडक्शन हो रहा है पर प्रोडक्शन नहीं होता कॉपीज होती है आपकी ठीक है ना और कैसे असेक् प्रोडक्शन इट इस अ फॉर्म ऑफ दुअल रिपोडक्शन दट मीक्स द सेक्ल रिपोर्डक्शन बाकी बात भी कर लेते हैं पैथोजेनेसिस की बात करें डेवलपमेंट ऑफ द अन एग और द इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म इट अक्रॉस इन द बोथ द प्लांट एंड द एनिमल्स एग्जांपल हनी वी ट्रॉटीफर्स एंड समलेजर्स एंड बर्ड्स आ जाते हैं पैरथोकॉपी की बात करें तो डेवलपमेंट ऑफ द अनफर्टाइल फर्टाइल ओव्यूल्स इन न्यू ऑर्गेनिज्म इट अक्रॉस द फ्लावरिंग प्लाट्स एग्जाम्पल द बनाना सीडलेस वाटरमेलन ये आ जाते हैं आपके वेस्टेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें आपका सेक्शुअल है प्लांट बिलोंगिंग टू दिस कैटेगरी आर प्रोपोगेट बाय द पार्ट्स ऑफ दियर बॉडी किसी पार्ट से हो सकता है मैंने बताया था ना अदर देन अ सीड बीच के अलावा किसी पार्ट से क्या हो सकती है आपकी कॉपीज निकल सकती है <coughs> ठीक है ना यंग वन निकल सकते हैं द पार्ट आर कॉल्ड द वेज प्रोपोगेशन या प्रोपिगुल्स इन एनजोस्पम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स कैन बी यूज फॉर द वेजटेटिव प्रोपोगेशन अगर एनजोस्प की बात करें ठीक है ना आपका किसके थ्रू भी हो सकता है फ्लावर्स एंड फ्रूट्स के थ्रू भी हो सकता है तो ये आपने याद करना है तो ये था आपका टॉपिक होप कि आपको पसंद आया होगा तो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में शेयर कर लूंगा और इस वीडियो को अगर आप YouTube में देखना तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को अगर आपने नहीं किया है और सब्सक्राइब करते ही आपको क्या देखिए बेल आइकन देखिए उसे प्रेस कर लीजिए और ऑल नो, नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर लीजिए फेसबुक पे भी मैं इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा तो वहाँ पर भी आप हमें फ़ॉलो कर सकते हैं लाइक कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी हमें वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और जैसा कि आपको पता है कि लगभग सोलह के जुलाई के आसपास पेपर के चांसेज़ हैं इसके ठीक है ना लगभग लगभग आपके पास एक महीने से ज़्यादा टाइम नहीं है तीस दिन के आसपास टाइम है उसमें रिविज़न भी मारना है सारा कोर्स कंप्लीट करना है तो बेहतरी से करना ठीक है ना अलग अलग जो टॉपिक है अलग अलग चैनल से आप देख सकते हैं ठीक है ना जहाँ पे जो भी अच्छा पढ़ा रहा है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं भी कोशिश यही करूँगा कि जल्द से जल्द जितना हो सके कि इस महीने लास्ट तक मैं फ़िज़िक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी ख़त्म कर दूँ बाकी के टॉपिक मुझे रोकने पड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है ना तो आप भी कोशिश करिए पूरी कोशिश करिए इस पेपर को निकालने की तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत